हम यहाँ पे देखिए आलू बैंगन और सीम का सब्जी बनाएंगे। तो हमने आलू को इस तरह से कट में काट लिया है, छिलका छील करके, और बैंगन को भी हम धो करके और इस तरह से कट में काट लिए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे सेम, देखिए सेम को हम दो टुकड़ों में इस तरह से काट लिए हैं। छोटा टुकड़ा था तो इसमें इस तरह से सब सारे सब्जियों को काट लिए हैं। बनाना शुरू, हमने गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं और इसमें हम डाल देंगे वायल। तो हम यहाँ पे वायल डाल देंगे बस 2 चम्मच। तो हम यहाँ पे 2 चम्मच वायल डाल रहे हैं, और 2 चम्मच वायल डालने के बाद हम बनाना शुरू करेंगे। तो तेल हमारी गर्म हो रही है और अब इसमें हम डाल देंगे राई। तो हम यहाँ पे इतना राई लिए हैं बस, थोड़ा सा, आधा चम्मच। तो हमने यहाँ पे राई को डाल दिया है और राई हमारी चटक रही है। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे राई चटक गई है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे ये आलू। तो हम यहाँ पे पहले आलू को डाल देते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे आलू को डाल देंगे, और आलू डालने के बाद यहाँ पे आलू को हम भूनेंगे पहले। तो आलू को अब हम इसमें डाल देंगे, यहाँ पे नमक, तो टेस्ट के अनुसार हम नमक आधा चम्मच डाल दे रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे हल्दी पाउडर, तो आधा चम्मच हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर को डाल दिया है। और इनको डालने के बाद हम यहाँ पे इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको हम इस तरह से भूनेंगे 2 मिनट के लिए। तो हमने यहाँ पे आलू को 1 से 1.5 मिनट तक भून लिए हैं। अब हम यहाँ पे डाल देंगे ये लहसुन। तो हमने लहसुन को कूच लिया था खलबट्टे में, और इसको मैं 1 चम्मच लहसुन है तो इसको हम इसमें डाल देते हैं लहसुन को। और ये 5-6 कलियाँ थी लहसुन। अब इसको लहसुन को 1 मिनट तक बस इसमें भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है लहसुन को। तो इस तरह से हम 1 मिनट तक लहसुन को इस तरह से मिक्स कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे डाल देंगे ये कटा हुआ बैंगन जो हमने काट के रखा था। तो कटा हुआ बैंगन को इसमें हम डाल देते हैं, और फिर बैंगन को डालने के बाद ये सीम है जो सेम को हमने काट के रखा था, वो सेम भी इसमें हम डाल देते हैं। और इन सबको डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये सब चीज़ को हम मिक्स कर लेते हैं बस। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं धनिया पाउडर। तो हमने यहाँ पे आधा चम्मच ये धनिया पाउडर को लिया है। तो हम यहाँ पे आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं और आधा चम्मच हल्दी, मतलब मिर्ची पाउडर, देखा के अनुसार आप डालिए। और इन सब चीज़ डाल करके हम यहाँ पे इसको मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से हम रुक जाए मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं मटर। तो हमने हरी मटर को इसमें डाल देना है। तो हमने यहाँ पे हरा मटर को इसमें डाल दिया है, और हरा मटर डाल करके और मसालों के साथ अब हम इसको भूनेंगे मिक्स करके। तो हमने यहाँ पे आंच को धीमी करके और लगभग 2 से 3 मिनट तक मसालों को हम भूने हैं। अब हम यहाँ पे डाल देंगे टमाटर जो हमने काट के रखा है। तो मेरे टमाटर कुछ कच्चे, एक कच्चा और एक थोड़ा सा पका हुआ है, जिससे कि ये खट्टापन पर आए और अच्छा सब्ज़ी लगे टेस्टी। तो मिला करके अब कम से कम इस सब्जी को 5 मिनट तक और भूनेंगे, क्योंकि टमाटर पानी छोड़ देती है। तो हम यहाँ पे इसको धीमी आंच पे चलाते हुए लगभग 5-6 मिनट, हमने 7 मिनट तक इसको भुना है, और ये अच्छी तरह से सब्जी खुशबू आने लगी और अच्छी तरह से हमारी सब्जी भुन गई है, अब है पक गई है। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं पानी। तो हमने यहाँ पे पानी लिया है और पानी को इसमें डाल देंगे। तो पानी अभी और डालेंगे। तो हमने 1 गिलास पानी डाला है, तो लगभग हमने 1 से 1.5 गिलास जितना आपका सब्जी हो उस हिसाब से पानी डालिए। 1 गिलास पानी को डाले हैं और 1.5 गिलास पानी, अब इसको मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। हमने यहाँ पे इसको अच्छी तरह से इसको ढक दिया है ढक्कन से, फिर हम ढक्कन से इसको ढकते हैं। हम ढक्कन हटा करके और देख लेते हैं। तो हम ढक्कन कम से कम 5 मिनट पहले हटा लिए हैं। तो देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल बनके तैयार अब हो गई है, बंद अभी नहीं करना। और आप देख रहे होंगे थोड़ा सा पानी है, तो हम सुखाएंगे नहीं, थोड़ा सा पानी
इस सब्जी में रहने देंगे, ज़्यादा पानी नहीं। और अच्छी तरह से देखिए, थोड़ा सा ये बैंगन वगैरह है तो आप हल्का सा ऐसे कुचल दें। और आलू भी पक गई है तो आलू भी कट रही है, आप देख लें सबको, तो सब ये हो गई है। और थोड़ा सा अगर बैंगन ऐसे है तो आप ऐसे हल्का कूट दें, दबा देंगे तो थोड़ा सा मिक्स ये हो जाएगी। तो हल्का 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 हम ऐसे करके दबा देंगे और ये मिक्स हो जाएगी। ऐसे ऐसे करके आप दबा दीजिए और फिर गैस को बंद कर दीजिए, आपकी सब्जी बन गई है।